मैंने जैसे ही इंसर्ट की ये वीडियो आ गई यहाँ पे। पिक्चर को मैं कट करता हूँ। वीडियो प्ले करके देखता हूँ। ठीक है, और क्या ऑप्शन है देखते हैं। अच्छा, हेडर है, फुटर है। हेडर क्या है? कुछ भी हम पेज के ऊपर जो है लिखना चाहें जो हमारे हर पेज पे शो हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी बुक ऑथर नेम आ जाए या बुक नेम आ जाए। ऑथर नेम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जॉन, ये लिख के इस पर नीचे डबल क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखें जॉन जो है हर पेज पे ऊपर आ रहा होगा। जॉन, ये जॉन, ठीक है, ये हेडर था। इसी तरह फुटर, फुटर क्या है कि कुछ बुक के नीचे कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, पेज भी लिखा हुआ आए, इनका भी ऑप्शन है। और क्या है, पेज नंबर का अलग से ऑप्शन भी है कि आप पेज नंबर को जो है टॉप पे चाहते हैं या फिर पेज नंबर को बॉटम पे चाहते हैं, बीच में या राइट साइड पे, जो भी आप चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पेज है, दूसरा पेज आ गया, ये तीसरा पेज आ गया, और ये जॉन, ये हेडर है, और ये फुटर कहलाएगा। जो पेज के नीचे होता है वो फुटर होता है, जो पेज के ऊपर होता है वो हेडर होता है। इंसर्ट के और ऑप्शन क्या है? टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स ले, कुछ भी टेक्स्ट बॉक्स हमें यूज़ करना हो कहीं भी लिखने के लिए तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो है हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा इंसर्ट का ऑप्शन। और भी इसमें वो हैं, आर्ट वगैरह, इक्वेशन हैं, सिंबल हैं, डेट टाइम हैं, ये ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। अब जाते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन में क्या है? सिंपल डिज़ाइन मेथड है और कुछ नहीं है। थीम्स हैं, थीम्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो भी थीम पसंद है आप वो सेलेक्ट कर लें। और लेआउट में क्या है? लेआउट पे जाते हैं, पेज लेआउट, ये मार्जिन बता रहा है कि पेज जो है नॉर्मल पेज है इस वक्त हमारा, उसका ये साइज़ है। नैरो कर देंगे इसको, थोड़ा पतला हो गया। और जो चाहे हम कर सकते हैं जो चेंज। ओरिएंटेशन में क्या है? पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। लैंडस्केप थोड़ा रेक्टेंगल का शेप का होगा, पोर्ट्रेट थोड़ा लंबा होगा। पोर्ट्रेट जो है टॉलर होता है, वाइड नहीं होता, और लैंडस्केप विड्थ में ज़्यादा होता है और टॉल नहीं होता। उसके बाद ये साइज़ है, ये इस वक्त जो है लेटर साइज़ का, हम जो साइज़ चाहे चेंज कर सकते हैं। A3 है, A4 साइज़ है, A5 साइज़ है, और उसके बाद कॉलम है। अभी जो है सिंगल कॉलम हुआ है, मैं 2 करूँगा तो डबल कॉलम हो जाएगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, 2 किया तो ये 2 कॉलम होगा। यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। ये क्या है? ब्रेक्स हैं, ठीक है, लाइन नंबर्स हैं। तो ये हमारा लेआउट बता रहा है कि हमारा पेज जो है किस टाइप का दिखेगा, उसका क्या डिज़ाइन होगा। और रेफरेंस में जाए, रेफरेंस में क्या आ रहा है? टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि कोई भी मैं बुक लिखता हूँ तो उसका सबसे पहले क्या होता है? टाइटल पेज के बाद जो है उसका इंडेक्स होता है। उसमें क्या होता है? टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी, ये आ गया इस टाइप का। फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर टाइटल लेवल 1 पेज नंबर 1 में है, चैप्टर टाइटल लेवल 2 जो है वो पेज नंबर 2 में। मैं इसमें जो है कुछ भी चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, टॉपिक नेम चेंज कर दूँ, पेज नंबर चेंज कर दूँ, ये रेफरेंस में आएगा। और ये इसमें ये क्या है? स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप क्या है? ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी वर्ड, फिर स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करता हूँ तो जो है इसकी डेफिनेशन आ जाएगी मेरे पास। हेल्प, ये क्या है? एक वर्ब है, मेक इट ईजियर फॉर समवन टू डू समथिंग बाय ऑफरिंग वन सर्विस और रिसोर्सेस, यानी कि ईजी करता है किसी बंदे के लिए कोई भी काम करना, ठीक है। स्मार्ट लुकअप से क्या है? उसकी डेफिनेशन आ जाती है। बाकी ऑप्शन